यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या क्या क्या, सबके घर में बकरा बकरा बकरा। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रबीला आजमी, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आजमी सिस्टर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बकरीद आने वाली है, और ऐसे में बकरों के साथ साथ बकरीद से रिलेटेड बहुत सारे जोक्स और मज़ेदार अशार भी मार्केट में आ जाते हैं, जिनको सुनने और देखने में लिटरली बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए उनमें से कुछ जोक्स मैं आपके लिए हाजिर करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को बकरीद के साथ साथ फ्रीजर की गोद भराई मुबारक हो। फ्रेंड्स, दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा का इंतजार करें, फिलहाल सब्जी और दाल पे ही इंतजार करें। गली और मोहल्लों के लड़कों की आजकल मसरूफियात। लंग जाओ बाजी, बकरा नहीं मारेगा, मैं इधर ही खड़ा हूँ। गर्ल्स बी लाइक, डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो बकरा खड़ा है इसे प्लीज साइड कर दे, मैंने गुजरना है। आधी रात है, वहाँ कोई नहीं होगा, चलो उनकी गली से बकरा खोल लाते हैं। शुक्र है लड़कियाँ कुर्बानी का जानवर लेने नहीं जाती, वरना पिंक कलर का बकरा कहाँ से लाती। लड़कियों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए नया स्टॉक हाजिर है। पता है फ्रेंड्स, मंडी में आज व्यापारियों की चीखें निकल गई जब पापा की परी ने कहा कि इस डिजाइन में कोई और रंग दिखाइए। बकरीद पे कुछ लोगों का फेवरेट काम क्या होता है पता है? बकरे की कीमत पूछना और फिर दूसरों को बताना कि महंगा लिया लुट के आया है। फ्रेंड्स, बकरीद का टाइम है और इस मौके पर बकरी ने बकरे को एक मैसेज दिया। आपको पता है वो क्या है? बकरे का बकरी को रो रो के मैसेज, अब के बिछड़े तो शायद कबाबों में मिले। पूरे साल की बर्तनों की सफाई एक तरफ और बकरीद के 3 दिन की चिकनाई एक तरफ। बड़ी ईद आने वाली है, अब तो हम रिलैक्स करेंगे। आजकल शुगर, बीपी और इस तरीके की बीमारियां आम है, और ऐसे में मार्केट में शुगर फ्री बकरा भी मिलने लगे हैं। फ्रेंड्स, एक बात बताऊं, बड़ी ईद तो सिर्फ लड़कियों की होती है, लड़के तो कसाई और होम डिलीवरी वाले बने होते हैं। फ्रेंड्स, बकरीद का टाइम है और अम्मी का बस नहीं चल रहा कि गोश्त वाली चाय भी बना के पिला दें। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक मज़ेदार चीज़ बताऊं, बकरीद पे कुर्बानी करने के बाद एक साहब ने सपना देखा कि जन्नत में सबके बकरे उछल कूद कर रहे हैं, और उन्होंने अपना बकरा ढूंढने की कोशिश की, फिर उनको दिखा कि वो तो साइड के कोने में पड़ा है। वो उसके पास गए और उसके कान में पूछा कि सबके बकरे तो उछल कूद कर रहे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पता है बकरे ने क्या कहा? बकरे ने बोला कि साहब जी, मेरी एक टांग तो आपके फ्रिज में रखी है, मैं क्या 3 टांग से दौड़ूं? फ्रेंड्स, अब कुछ अशार मुलायजा फरमाए। बकरीद का जमाना है, मौसम भी सुहाना है, एक रान रोस्ट करके तो भेजो, क्या गोश्त को अगली ईद तक जलाना है? रेट सुनकर मैं तो हैरान हो गया, कसाई की फीस पूछी तो परेशान हो गया। तेरी कुर्बानी तो ईद पर होगी बकरे मियाँ, लेकिन मैं तो ईद से पहले ही कुर्बान हो गया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मटन साथियों। ये बड़ी ईद नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि बहुत सारे गोश्त के पैकेट है और बांट के आना है। और आखिर में एक अच्छी बात और, गलतियों को दरगुजर करें, क्योंकि अगर दरगुजर नहीं करेंगे तो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, अगर मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी तो रिश्ते टूट जाएंगे, और अगर रिश्ते टूट जाएंगे तो फासले बढ़ जाएंगे, और इसकी वजह से बकरीद पे आपको कोई गोश्त नहीं भेजेगा। मेरा काम था समझाना, बाकी आपकी मर्जी। फ्रेंड्स, बकरीद से रिलेटेड हमारा ये फनी वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब के साइड वाले बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाए। अब हम मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।